तंदूर है, मैंने कहा चलें। अच्छा जी, ये देखें इनका यहाँ घर में तंदूर है, मैंने कहा चलें देखते हैं तंदूर रहते हैं। लैला ने स्पेशली हमारे लिए तंदूर, अच्छा इसके ऊपर वो सही से बनाए ना, सोनी आपकी फैमिली पीछे से कैसे कोप कर रही है? आप पाकिस्तान में है जी, आप वेखो कि सोना ही कोप कर दे पेने, खाना बंदे ढिड लगा हो वो अपने लिए बना ही लेंदा कुछ ना कुछ। तो ये हमारे घर में जी रोमा की फैमिली आई हुई है, तो मेरी बेटी प्रेपरेशन कर रही है फूड की, जो डिनर उसने शाम को बनाना था उसने मैरिनेट किया, चिकन बड़ा ज़बरदस्त है, वेखो ने किड्डा सोना रोस्ट बनाया। और मैं कहती हूँ कि बेटियाँ वही करती हैं जो वो अपनी माँ को करते हुए देखती हैं, वो सीखण ना सीखण किधरे दिमाग च पिछे उन्होंने वो जरूर चल रही होंदिया ने चीज़ा कि मामा ऐसे करती थी। तो यह वेखो जी उन्हें फिश किड्डी सोहनी मैरीनेट की, तो यह वेखो जिस तरह मैं डेकोरेट करनी हूँ रोस्ट, उन्हें भी उंझ ही उत्ते बड़ी सोहनी डेकोरेशन की। और खाना देखें जी कितना ज़बरदस्त बनाया, रोमा की बेटी भी साथ ही थी, उसने भी हेल्प की, दोनों ने मिल के बड़ा ज़बरदस्त जो है अपना शाम का डिनर बनाया। तो मैं कह लो जी माशाल्लाह, अबू सही कहते ने पुत्र तेरे बच्चे वड्डे हो गए, तू इत्थे मेरे कोल ही रह। तो जी चले अब चलते हैं अगले व्लॉग की तरफ और आप देखें आगे कितना मजे का व्लॉग है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग हो गई है हमारी जंग में, और सना को बस मैंने डेढ़ दिन दिया है अपना कि सना के साथ बस मैं इतना सा टाइम गुजार लूँ, फिर हमने कल चले जाना है लाहौर। आज हम जा रहे हैं सना की फ्रेंड की तरफ, उनका गांव में बहुत बड़ा सेटअप है जो वो हमें दिखाएंगी, और हम देखेंगे कि वहां पे किस तरह से चीज़ें होती हैं, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स भी दिखाएंगे और देखेंगे वहां पे क्या क्या। तो मैं बस कल साइमा ने भी बहुत अच्छा डिनर जो है साइमा ने हमें खिलाया, जिम खाना वो हमें लेके गई और बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही मज़ा आया। फिश बड़ी ज़बरदस्त थी जो बेक की हुई थी, और बारबेक्यू लाइव हो रहा था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा इन्जॉय किया। तो उनका कल जो है ना, मैं जो गिफ्ट साइमा के लिए लेके जा रही थी, आय हाय जो गिफ्ट साइमा के लिए लेके जाना था वो कल हमारा घर ही रह गया। तो आज हम पहले साइमा की तरफ जाएंगे, उसका गिफ्ट मैं ड्रॉप करूँगी, क्योंकि तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो मैंने कहा कि चलें एक छोटा सा जेस्चर थैंक यू का, इतना जो है ना कल हमने इन्जॉय किया उनको देंगे, और साइमा को और मैं इनको बैग्स में डाल लूं और फिर हम चलते हैं। साबा कितने ने बैग है? कपड़े मेरे कोई कपड़े नहीं मेरे सिले, ना मेरे पास कोई कपड़े हैं, ये रेडीमेड कपड़े एथनिक के लिए हुए हैं, खुले डुले जो भी साइज है वे हूँ वही पाई फिरनी है। कितने मैं बैगों के उत्ते बैठी हूँ? ये मैं बैग्स के ऊपर बैठी हुई हूँ जी। तो बस कुछ नहीं, छोटा छोटा सा है बस। सब आई हुई है, सब आज यहाँ काम कर रही है, बस देखें कैसे जगह बदलती है, हैं? जगह बदलती, लोग बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, सारा कुछ बदल जाता है। ये साइमा का आज ये परफ्यूम, ये भी बात, तो ये हम लेके, और इसके साथ जो है ना आई थिंक बिस्किट के केक्स हैं, सना कुछ लेके आई है वहाँ ही। केक है? अच्छा, एस लैला बुखारी हैं सना की फ्रेंड, मैं लास्ट टाइम भी मिली थी उनको जब हम दारुल अमान गए थे ना, वहाँ पे वो आई थी। तो उनका काफ़ी जो है ना विलेज है, उस तरह का है उनका सेटअप, तो जाके हम जरा एक्सप्लोर करेंगे आज। अपॉर्चुनिटी मैं क्या मिली है तो क्यों ना तुहानू भी विखाइए, तुसीं भी वेखो। तो बस लेट हो गए, किन्नी की देर है? और ये देखे मैंने एयरिंग जो मुझे साइमा ने कल दिए थे ना, ये चांदी के हैं, ये मैंने पहने हुए हैं कल, ये बड़े ज़बरदस्त मुझे लगे हैं, छोटे छोटे से, मुझे बहुत बड़ी चीज़ें पसंद नहीं होती। आ जा साहबा, बह जा इधर, हो जा
ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬੀਤਾ ਸੇ ਤਾਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਈ? ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆਇਆ। ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚ ਰਖਵਾ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਚ ਰਖਵਾ, ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ਾਪਰ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੇ ਜੀ, ਅਬ ਹਮ ਚਲਤੇ ਰਾਤੋਂ ਕੇ। ये भी वैसे अच्छा सूट है, ये जो है ना ये कॉटन है, और जो दूसरे थे वो थे खद्दर के, ट्राउजरां भी लुंडियां छोटियां छोटियां ऐसे ही है, रंग सोना लगा। इधर देखें जी, इधर देखें, तीसरा सूट पा के देखे और ये डिसाइड हुआ। तीसरा की पा के देखा, कपड़ा ही कोई नहीं, कोई सही, मेरे कपड़े ही पता नहीं, पूछना सी दर्जी ने कितने ने कितने दर्जी की भी आज क्लास लगेगी। हैरिंग्स वाले ने कितने प्यारे लगे हैं, ये देखनी चांदी के जो सारे मैंने खरीदे थे। हां ये वाले पहनने में मैंने। चलो भाई चले जी, चलते हैं, आपको चलते हैं और निकल के इधर चले जी। चलो जी चल रहे हैं, मैंने निकालने जा दिए। सब मैं मूलियों का की करना है, अचार पाना है, मैं अचार मुन्नु भी लेना है डाली है ये खातर। हां जी अंकल तेरे तो छोटा ही कहंदी पई अंकल। चलो अच्छा चल ठीक है, चल जा। कि पलवशा जा रही हैं एस लैला बुखारी के घर, लास्ट ईयर का इनविटेशन था, लास्ट ईयर टाइम नहीं मिला। अभी भी मेरे दो महीने के ट्रिप में से सना को बस डेढ़ दिन मिला है, इसके साथ स्पेंड करने लगी हूँ। फिर दो दिन हमारे लाहौर, उसके बाद वापस अबू के पास, तो बस इस डेढ़ दिन में जो हम कर सकते हैं वो हमने भाग दौड़ के कर लेना है, बस आपको भी थोड़ा घुमाते फिराते हैं। इधर देखा झाड़ू बन रहे हैं, लल्ला दो के झाड़ू, एक सहमा वास्ते एक लल्ला वास्ते। कह लो मैं भी राज वेखे सन चंगे लगे तो असं ले लेने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਦ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੋਂ ਫਟ ਗਈ, ਨੋਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਨਵਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਵੋ ਜਰਾਬੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਵੋ ਤੁਮਨੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੇ ਚ 5-6 ਜਰਾਬਾਂ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਵੋ ਇਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਨਾਲ ਭਰ ਕੇ। ਉਹੀ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਐਸੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਯਹਾਂ ਜੀ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਸਾਇਮਾ ਕੇ ਘਰ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਫਿਰ ਜਾਏਂਗੇ ਆਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਰਾਮ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਧਰ ਵੇਖਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਾਇਮਾ, ਦੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਕਿਤਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਇਮਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਯੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਥਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇ ਥਾ ਯੇ। ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਇਮਾ ਉਸ ਸੂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। मामा कितने बजे आएंगी है, इसको अभी से मामा की वो पड़ गई है कि मामा ने कब आना, बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरे भी मैंने कहीं जाना होता था ना, कब वापस आना, कहाँ जा रही है, वैसे कोई पता नहीं माँ किधर है ना, थोड़ा सा तैयार हो जाओ। हाँ तब कहते हैं कि आप तैयार होगी, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। ये भी रखो, हम लोग घर से निकल आए हैं, सुबह सुबह उठ गए।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੋਰ ਦਾ ਆਟਾ ਅੱਛਾ लो जी असी आए पिंड दे विच ते ए पिंड सी एस लाला बुखारी दा सना दी फ्रेंड है बहुत ही प्यारी और उन्होंने बड़े ही प्यार नाल सानू इनवाइट किया अपने इस पिंड दे विच ते पिंड जिहड़ा है वह इन्ना खूबसूरत सी कि तुसी अगे अगे चल के वेखोगे साढ़े नाल तुसी भी इंजॉय करोगे वह हरियाली वह पिंड की खुली फिजा जिन्हों वेख के साडा भी दिल खुश हो गया। सिवाय अपनी खाला दे पिंड तो सानू नहीं याद असी कदी किसी होर पिंड च गए होवांगे तो यह पिंड मैनू टोटली डिफरेंट लगा कि इत्थे मोस्टली घर जिहड़े ने वह मिट्टी दे सन ते हर पासे सरसों साग उगया सी पिंड की फिजा एडी सोहनी लगे एक तो इत्थे मैनू ट्रैफिक नहीं लगी रश नहीं लगा लोग बहुत घट नज़र आए और नेचर की खूबसूरती इन्नी सी कि दिल करता सी कि सड़क ते गड्डी टुरदी रवे ते असी वेखदे रहिए बस खुले दरवाज़ियां चुंदरों घर नज़र आते सन कोई नलका गेड़दा पिया विहड़े च मंजियां पईयां ने कोई मिट्टी के चुल्हे ते अपनी हांडी रोटी करदा नज़र आता ते हर घर के बाहर जानवर जिहड़े ने वह भी नज़र आते सन ते लो जी असी लंघे इत्थे गर्ल्स स्कूल सी इत्थों होंदे होंदे जी असी पहुँच के सना दी फ्रेंड वल चले जी अब जा रहे हैं हम अंदर अंदर चल के मिलते हैं हाँ बड़ी खुशी हो रही है पहले हम अंदर चलते हैं जी पीते हैं फिर आप जैसे जैसे फिरेंगे उसके बाद हम ठीक है मैंने इनको चलो आ जाओ। अच्छा जी ये देखें इनका यहाँ घर में तंदूर है मैंने कहा चलें देखते हैं तंदूर ये देखें जी रोटियां लग रही इधर तंदूर में लैला ने स्पेशल बनवाया सही करवाया सही करवाया रोटियां अच्छी बने हाँ। गर्मियों में ज्यादा यूज होता है ना अच्छा तो सर्दियों में जरा कम तभी यूज होता है अच्छा करना जरा अपना सना पेड़े बना के क्यों नहीं दे रही ये अभी सना बनाएंगे ये लगाएगी रोटी लगाएगी पलवशा इसके अंदर अच्छा लगाना पानी ना पिलाओ पहले रोटी अपनी रोटी खुद लगा और ये इधर दूसरा देखो ये भी एक रोटियों वाली तभी इसके ऊपर दो तीन जो कट्ठी बनती है अच्छा ये ऐसे ही लगा रही हैं बगैर हाँ जी अम्मा ट्रेंड है ओ हाथ ही छूट गया बेर भी लगे हुए हैं बेर भी लगे हुए हैं सुसर की भी वालदा के टाइम की है अच्छा हाँ अच्छा। और अब ये छोड़ गई है मतलब बेर इतने नहीं देती लेकिन इसके बेर बहुत अच्छे होते थे जब मेरी शादी हुई लेकिन बहुत पुरानी काट मेरे शौक जान दे लाला लोगों ने कहना इतनी सादा भी नहीं है जितनी आपने ज्वेलरी पहनी होती है ये देखे तकिए क्रोशिए के बने हुए फुम्मन और ये इधर जी बारबेक्यू लैला का स्पेशल बनना है ये भी हम करते हैं बारबेक्यू क्या कर रहे हो
लाला जी बाकी आलू ला दे जी तमीजदार जिथे बैठाओ हिलदी ने और वो इसके वो तांबे के पुराने हैं बर्तन वो बाद में देखेंगे। ओए ओए खाना तो लगा पे नहीं कुछ नहीं लगा पे ये तो हमने ये देखे ये ना स्पेशल ना हमारा वो मलंग मलंग अच्छा इधर बे हाँ ये ना वो उसका मुरब्बा कोई कल देगी कि मैंने हाँ ऐनो पता कोड तुम्हें के बे ने नहीं ये कोड तुम्हें ये तो मरकोड़ा हो सी अभी तुम अच्छा कोड तुम्हें मैंने बचपन में बड़े अपने घर में देखे हुए हैं रेड ग्रेप्स का अच्छा मैं पता है मुझे जो इनकी अच्छी चीज लगती है ना मुझे सबसे अच्छी है एक तो जब आप यहाँ के बिल्कुल मिट जाती है ना सबों की खिदमत वो नेचुरल मुझे बड़ा लगता है और मैं ब्लॉग देखू ना जो मुझे अट्रैक्ट कर रही होती चीज के ये देखो बड़ा मुश्किल है घर छोड़ के ना हमारे पेरेंट्स यहाँ एक रात के लिए रहना भी पड़ता है बड़ा मुश्किल हो जाता है वाकई निकलना कहते हैं ना कि मेरी दी तू ना जा ये इसको कल भी नहीं आने दे रहे थे तू वो था कि करण जाना है तू रह मैं मुझे लगता है वो परमेश्वर से ज्यादा बड़ी है ना बड़ी है और ये पता नहीं लैला पता क्या हर बेटी को ये लगता है कि हमारे मेरे बाबा मेरे साथ ज्यादा ये चीज एक नेचुरल है लैला ने आगे जिम में कहा मुझे कहने लगी साहिबा मैं बड़ी परेशान हुई पर और कहती इतनी हिम्मत है इन लोगों की आते हैं कहते हैं आधी जिंदगी तुमने वहाँ गुजार दी है बस अब मेरे पास बिल्कुल कहते हैं लेकिन एज अ मदर आप सोचा जाए ना ये चेक करो ये कोड तुम्हें ये ना देखिए आपने भी शायद नहीं टेस्ट किया होगा नहीं नहीं हमारे पास एक बंदा है वो स्पेशली बना के ना यहाँ भी हमने लेके जाऊंगी उनके फार्म पे आपको अच्छा वहाँ से वो बना के लाया है कि कोड तुम्मे का है और मैंने वैसे जिंदगी में कोड तुम्मे पर अभी खा के है वेरी टेस्टी है कोड तुम्मा है कि ये कोड तुम्मा नहीं है वो बचपन से लेके आंदे शुगर वास्ते कोड तुम्मे अच्छा जैसे मौसमिया नहीं होती इतने साइज अच्छा इतना कड़वा होता है कहते हैं पैरों में लगे तो मुंह कड़वा हो जाता है अच्छा आओ चले तुमने रस्ते में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं ये माही का बड़ा जबरदस्त चीज है मुझे खुशी होगी अपना ही घर है सौग भी पड़ा इधर मक्खन भी है अच्छा ये इसका बड़ा किचन है अच्छा ये बड़ा किचन है अच्छा अच्छा ये देखें जी हाँ उधर से निकलते हैं यहाँ पहुँच जाते हैं यहाँ से मुझे कहते हैं डेली क्या बनाऊँ तंदूर में हम रोटी लगाने लगे आज और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है लैला ने स्पेशली हमारे लिए तंदूर तो सेट किया तपाया नहीं मैं तपाया रोटी उसने गद्दी बनाई है क्रेडिट गोज टू खालदा अच्छा ये गद्दी अभी बनी है तुम्हारे लिए अभी कहीं नहीं खालदा हाँ वो कहते हर फन मौला ये देखें जी अदान हुंदी पई जाए रिश्तेदार अजान हो रही है भाई अजान हो रही है
बड़ी प्यारी अजान है। अच्छा इसके ऊपर पानी इधर तो पानी रोटी का पानी ना कुछ भी नहीं किसी पे पानी नहीं लाना बस सिर ऊपर करके ऊपर लगानी है जो गद्दी वाली होती है प्लेथन वाली होती है ना। अच्छा बस ऐसे ही लगा देनी है थप्पे इसको ठंडा किधर लगानी है लग गए उधर सामने से आ जाती ना मारो किधर लग गई हां वो देखो ये देखें जी ये रोटी लग गई ये लगी है ये लगी है और जिनके पीछे हमने इतना एहतमाम किया है अब उनकी आप सही से बनाए ना नहीं उन्हीं की सही से बन रही है जी। लला तू रोटियां लाया कर तेरी वीडियो हिट जानी है। और मैंने एक दफा लाइव में तंदूर दिखाया वो शुमाइला कहती मैंने पूरी वीडियो देख ली इसी चक्कर में कि तू तंदूर से रोटी ला रही चले जी वो देखें क्या जबरदस्त रोटी लगी है। यहाँ पे देखें हाँ। कि कितनी सादा तबीयत की ये हाँ। ये भूख लगी हुई किसी को है ना रोटी फुलन नहीं ये देखें रोटी कितनी जबरदस्त हाँ। लगी है ये जी साइमा लगा रही है रोटी तुम घर कितने स्लो हो रही हो तेज मुझे नहीं आती नहीं आती मैं रोटी नहीं आती तेज तेज कर हाय मुझे पता नहीं था तंदूर का नहीं तो हम ना नान का आटा घर से बना के लाते कैसे बनता नान का वो अब तो उसको तो टाइम लगना था। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट टाइम ऐसा दी रोटियां सोनी करके तो फिर मकई दी रोटी स्टार्ट कर। अच्छा ऐसी सोनी तुम मेरे हाथ की रोटी खा चुकी बदतमीज ये ऐसे तो कभी नहीं हमने देखी भी तुम्हें हाथ से रोटी मुझे नहीं आती वक्त अब वो सुगड़ सुगड़ लगा के लगा रोटी तंदूर के अंदर सना का मुंह थक गया बिस्मिल्लाह रहमान हां जंग लड़ाने लगी से कैसे डिग पड़ गई बस भाई हां घर के तो हां भी चलो हां बच्ची को तू डर डर के पाई है रोटी लाई ओने जोड़न दे चक्कर च अपना हाथ जरा काफी देर अंदर ओदा रह गया जितों ओदा हाथ बेचारी दा थोड़ा जिहा बर्न हो गया और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस सी बड़ा ही असी इंजॉय किया। और ये एस लैला बुखारी की वजह से हमें ये मौका मिला इनका भी चैनल है यूट्यूब पर मैं मेंशन करूंगी आप सब ने इनको फॉलो करना है बहुत ही अच्छी इंसान है बड़ी मिलनसार और साडा एक मेमोरेबल ट्रिप सी इह ते तुसीं अगों अगों वेखोगे हले इहदा पार्ट टू भी आएगा अगे ते मैं हैरान हुंदी हां कि असीं ओह चीज़ां किन्नियां पसंद करने हां जिन्हां चीज़ां नूं असीं कदी नोटिस ही नहीं सी कीता मिट्टी दे चुल्ले तंदूर इह बड़ियां आम चीज़ां हुंदियां सन। चलें जी बहुत शुक्रिया पलवेशा जी ने आना मैं नया शूज़ ले अच्छा एक जूते लेने के लिए बाजार गई हूं पता लगा मुझे आ जाओ अच्छी है देखो मैं ब्लैक ही पहनती हूं बेरी हां मैं आपको पूरा देना चाहती हूं आपकी अच्छा ये मकई की रोटी यहां पे बना रही है मकई की ऐसे बन ये देखिए भाई ये मेरे गांव वालों से नहीं बन रही मैं आपको बना के दिखाती हूं। अच्छा ये कैमरा मारो तू फट ले ये देखो कुछ भी नहीं वो मैंने भी सीखा था वैसे इससे नहीं बन रही मैं इसको बना अब देख मेरी गोल जांदी पीछे हां सुखिया पीना तो पानी ला तू प्रोफेशनल है तो तू मेरे को बनाई दी पिंजड़ी कभी कभी वीडियो कॉल बड़ी हुई चलो ये देख प्यारी बन गई ना अब हम इसको बड़े आराम से यूं करके उतारेंगे ये देख बिल्कुल ऐसे अब मैं तवा किधर जनाब ये देखिए जी बड़े जबरदस्त लग रहे हैं भाई इस डिश में बनेंगे अभी इसका पलुशा का मैंने इसमें कुछ सारी चेंजिंग की है वो आइडिया तो मैंने जरूर अडॉप्ट किया है। अच्छा। ये
ये चेंजिंग मैंने खुद की, आपको पता है एक जो खाना बनाता है वो अपनी चेंजिंग खुद कर लेते हैं। लिहाजा ये आइडिया सना से लिया, सना ने शायद आपसे लिया, बस किसी ने किसी हाँ किसी से लिया ही होता है। ये मकई की रोटियां बन रही हैं, ये साग है इधर, ये मक्खन कितना, ये छुरी कितना खूबसूरती के ऊपर रखना है। चल बस ये साग आया बड़ा जबरदस्त, और चल देखें कितना जबरदस्त लग रहा है उनका किचन, कितना अच्छा लग रहा है, आपको दिखाते हैं अभी आ जाए। अब बहुत खालिस है और ऐसे ड्राई बना दें इसको, ऑयल नहीं लगाना। हाँ देखो अभी भी नीचे बटर काफी है लेकिन ये सूख जाएगा, ये अच्छा पीती है। अच्छा जितना लगा है मकई का आटा ना, अच्छा अभी तो लोग इतना मक्खन लगा। हाँ 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 चले जी आ जाए। उधर उसमें पड़ा हुआ है आलू वाला, हाँ नहीं आया इसमें पड़ा हुआ है मटन का। इधर भाई अजकल तो खाना गले के थले लंघता नहीं जिनी देर तक खाने का फोटो सैशन ना हो जाए, जिनी देर तक वो तस्वीर ना खिंचिया जाए, जिनी देर तक वो चार पाँच ग्रुपां शेयर ना हो जाए। खाना मनता ही नहीं आता खाने का। तो जी लैला ने कहा कि आ जाए खाना खा लें, लेकिन अभी रुक जाए मैंने बारबेक्यू भी करना। सारिया ने रौला पा दिता कि नहीं 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 असी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, बारबेक्यू फिर पहले सानू खाना खान दो। असी क्या कि असी शामी खावांगे बारबेक्यू और उदों तक साडा भी खाना जरा हजम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर तुसी रात भी इत्थे ही रहो। मैं क्या हाए सदके जाइए एडिया मुहब्बत इहो जिहे पिंड विच ते बंदा रवे आके हैं, सुबह नाश्ता भी इत्थे ही करे लस्सी नाल दही नाल साग नाल पराठिया नाल। तो मैं कहनी हाँ कि जिंदगी हो इन्हें बंदे की, सुबह सुबह पिंड की सुबह वेखो। तो जी कभी करेंगे ऐसा भी आगे फ्यूचर में आगे कभी दोबारा आई तो मेरा भी चाह शायद मैं पूरा कर लूँ अपना। ये जो लैला के घर हम आए आज, लैला का अपना चैनल है लैला बुखारी के नाम से, एस लैला बुखारी के नाम से मैं मेंशन करूंगी उनको, आपने फॉलो करना। देखें कितना खूबसूरत उनका घर है विलेज में और खाले साग। माशाल्लाह जी लैला ने इतना कुछ बनाया हुआ था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हमें क्या क्या ट्राई करवाए। उसने बनाई मकई की रोटी, फिर उन्हें चावलों की भी रोटी बनाई जो आगे जाके हमने खाई, वो भी बहुत ही टेस्टी थी साग के साथ। और वो कहते सन सब चीज़ें ट्राई करो, और ये इन्होंने मटन कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त बनी हुई थी, बस की करिए कि पेट च इन्नी जगह नहीं सी। खा लेंदे या पेट नाल बन के लै जाते, बड़ा ही मज़ा आया। और मैं कहती हूँ उनका खुलूस, उनका प्यार, उनका मोहब्बत, वो सब उनके एक एक खाने के जायके में हमें महसूस हुआ। मकई की रोटी इन्नी कु मज़ेदार सी कि मैं अज तक यहो जी मकई की रोटी खाधी नहीं, बहुत ही टेस्टी रोटी थी। और छाबे वेखो इन्हों के किड्डे सोहने सन, क्रोशिए दे बने हुए छाबे। एक होर आई जी फिर मकई की रोटी, मैं तो दो तीन खा लिया, मैनू इन्नियां ही मज़ेदार लगियां इन्हां दियां मकई दियां रोटियां। और जिहड़ी एक चीज़ मैनू पाकिस्तान च चंगी लगती है, किधरे भी चले जाओ ना इसरार कर करके तुहाडी प्लेट च खाना पा पा के कहणगे खाओ खाओ। अजकल बाहर दे मुल्कां च तो कोई इन्ना ज़्यादा कहिंदा नहीं किसी नूं, क्योंकि हर कोई डाइट कॉन्शियस है, लेकिन पाकिस्तान च मुहब्बत दा अंदाज़ जिहड़ा है ना कई बार बड़ा ही भारा पै जाता। मेरे वर्गा बंदा फिर बहुता खा लवे फिर शाम तक तबीयत खराब हो जाती है। पर मैं कहनी हाँ कि मुहब्बतों का तो कोई जवाब नहीं, जड़ियाँ इंज बेलोस लोग तेरे नाल करते हैं। और अल्लाह इनके रिज्क में इजाफा करे, इनका दस्तरखान हमेशा ऐसे ही भरा रहे। आ वेखो जी लस्सी आई जे, लस्सी भी पीती असी पिंड च आके, और लस्सी इन्नी मज़ेदार सी कि वाह जी वाह। मैं शायद अपनी अम्मी के घर तो बाद पहली बार जी चाटी की लस्सी पीती वो इत्थे पीती। फिर अज का दिन जिंदगी दी एक हसीन यादगारां दे विचों एक याद का दिन सी। वो कहंदे ने ना कि यादा तुहाडा असासा हुंदियां ने, और याद होनी बड़ी जरूरी है, अच्छी होए या बुरी होए, कि तुसी यादा दे जरिए उस वक्त च वापस जा सकते हो जिहड़ा तुसी सोना गुजारिया होए। तो अल्लाह किसी कोलों कदी किसी की याद ना छीने। आ जिहड़े मैमरी लॉस हो जाते हैं वो यादा भी सारिया उन्हां दे नाल खत्म हो जांदियां ने। ते जी
आ वेखो जी फिर आई लस्सी असी क्या एक होर गिलास लस्सी का पीए। और ये थे दही भल्ले जो बना के लाई थी साइमा, ये भी बड़े ही मज़े के थे, बड़े ही ज़बरदस्त और बड़ा ही हमने इंजॉय किया इन दही भल्लों को भी। ये देखिए कितना खूबसूरत है, जी व्लॉग का अगला हिस्सा आप कल देखेंगे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया, हम गांव के लोगों को जाके मिले, हमने वहाँ चाय भी पी। तो अभी इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, आप व्लॉग को देखें, इंजॉय करें और नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। ठीक है, थैंक यू।